फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज मेरे फ्रेंड से मिल लीजिए। तो गाइज आज भाई ने मेरा बहुत ही साथ दिया है। आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग बोया MMI माइक। रंजी भाई क्या बोलते हो, कर दे अनबॉक्सिंग? आइए पहले चॉकलेट खाइए। तो मतलब पहले बिल की बारी आ गई सीधे। गाइज फाइनली मेरा ड्रीम बोया माइक। तो गाइज फाइनली ये रहा बोया माइक। तो अभी फ्री फायर अपडेट नहीं हुई है ले। तो हे गाइस कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक कॉटन और आप देख रहे हो मेरा इंटरेस्टिंग चैनल मनाली वाला। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को कीजिए ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस मेरे फ्रेंड से मिल लीजिए। तो इसका नाम है राकेश। तो हेलो गाइस। तो भाई ने आज मेरा फुल साथ दिया है। आज के ब्लॉग में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग बोया MMI माइक। तो गाइस अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं वो मेरे फ़ोन का ओरिजिनल साउंड है, इसमें कोई भी माइक अटैच नहीं हुआ है। तो आज का जो ये ब्लॉग था ये मैं बोया माइक पर ही बनाने वाला था। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रंजी भाई क्या बोलते हो, कर दे अनबॉक्सिंग? आइए पहले चॉकलेट खाइए। करें अनबॉक्सिंग? पहले चॉकलेट खा लेते हैं। भाई फिलहाल चॉकलेट खा रहे हैं, उसके बाद करते हैं अनबॉक्सिंग। अभी भाई बैग से जो अपना ऑनलाइन सामान आया है उसको खोल रहे हैं। तो मतलब पहले बिल की बारी आ गई सीधे। सबसे पहले बिल तोड़ेंगे हम। इसका तो ये है ना, ये एक्स जमा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, तोड़ेंगे आप। गाइस फाइनली मेरा ड्रीम बोया माइक और भाई के हाथ में क्या ही जच रहा है। तो गाइस फाइनली ये रहा बोया माइक। तो अभी साउंड की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली मेरे ब्लॉग्स में। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके ब्लॉग में कुछ साउंड की दिक्कत रहती है, तो अब साउंड की दिक्कत नहीं रहने वाली है क्योंकि अपने पास आ चुका है बोया माइक। तो चलिए अब मैं बाकी की अनबॉक्सिंग करूँगा और भाई बनाएंगे वीडियो। तो भाई मज़ा आया अनबॉक्सिंग करके? आया मज़ा? मज़ा आया, मज़ा आया। तो गाइस अभी फ़िलहाल हो रही है अनबॉक्सिंग ऑफ बोया माइक। यार ये डब्बा, तो जितने भी यूट्यूबर हैं सबके पास यही माइक देखा है मैंने, तो मैंने भी सोचा मैं इसको मंगा ही लेता हूँ। तो गाइस ये देखिए ये रहा बोया माइक। हेलो हेलो, अच्छा है भाई। जिस तरह का मैंने इस माइक को सोचा था बिल्कुल वैसा ही आया यार। अभी फिलहाल इसको कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन के साथ और देखते हैं ऑडियो क्वालिटी किस तरह की है। तो गाइज आज मैं स्टैंड लाया नहीं हूँ, तो इसीलिए इस तरह से ही मतलब मैंने इसको हुक किया है, तो आपको वॉइस भी अच्छी आ रही होगी। तो गाइज अभी साउंड क्वालिटी तो अच्छी आ रही है बट वीडियो क्वालिटी का मैं बात नहीं करता। इसको कर देते फिलहाल बंद और यहाँ से चलते हैं। तो अभी घर की तरफ जाऊँगा मैं। तो अभी मैंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया वहाँ से, तो अभी फिर से ऑडियो क्वालिटी ख़राब आएगी। तो कल से आई होप की ब्लॉग बहुत ही अच्छे और ठीक ठाक बनेंगे। तो अभी इसको फिलहाल रख देते हैं और इसमें दो दो वायर मिल जाती है हमको, इस तरह से अभी हम इसको बंद कर लेंगे। और ये एक छोटा सा स्टैंड, तो करते इसको क्लोज। तो गाइज अभी फ़िलहाल चलते हैं घर और इसको कर देते हैं बंद। और जो यहाँ पर इसका जो कूड़ा कचरा है इसको भी अभी घर की तरफ ही ले जाएंगे और कूड़ेदान में डालेंगे। तो आप भी कहीं पर भी कुछ भी खाए या मेरी तरह कुछ चीज़ की अनबॉक्सिंग करे तो कृपया कूड़ेदान में डालें। अभी फ्री फायर अपडेट नहीं हुई है गाइज। यहाँ देखिए कुछ एक बंदे होते हैं ऐसे कि गाड़ी की चाबी तो साथ लाते बट पैदल ही चलना पसंद करते हैं, जैसे कि भाई पैदल ही जा रहा है और गाड़ी की चाबी लटका कर रखी हुई है। तो थैंक यू भैया, मिलते हैं अगली बार। ओके बाय बाय, ठीक है, मिलते भैया, थैंक यू इतना साथ देने के लिए। गाइस यहाँ पर बैठा हुआ है वंशु। तो वंशु एक मिनट आंखें बंद कर लो, खोलना नहीं, ठीक है? मैं आज आपके लिए ले आया हूँ सरप्राइज। क्या लाया हूँ? क्या? जो मर्जी, ठीक है ले। अब आंखें खोल। ये
ये है क्या? माइक। कौन सा माइक? जो मैंने तेरे को दिखाया था, जो सभी यूट्यूबर्स के वहाँ होता है ना। खुश है? अब हम अगली ब्लॉगिंग इसी से ही करने वाले हैं वंशु, और वीडियो भी सारी इसी से ही बनने वाली है। वंशु, क्या आप खुश हो इस माइक को देखकर? यस। तो गाइस, वंशु को भी मतलब इस माइक को दिखाना जरूरी था, क्योंकि ये भी मेरे ब्लॉग्स में आता रहता है, अपना प्यारा सा छोटा भाई है, तो इसको भी दिखा दिया, ये भी बहुत खुश है और मैं भी। भैया मैं तो अभी से मेकअप भी कर लेगा। मेकअप भी कर लेगा? कैसे ऐसे? वंशु का मेकअप भैया माइक से। अब ये क्या है? ये स्टैंड है, स्टैंड। हाँ, इस पे लगेगा ये। तो अभी रहने ही दे फिलहाल, जब तक कैमरा अपने पास नहीं आएगा तब तक इसका कुछ काम नहीं है वंशु। तो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 3। तो गाइज, इस माइक की 2 बार डिलीवरी कैंसिल हो चुकी थी, तो अब तीसरी बार मैं खुद ही उनके ऑफिस चले गया कि मेरा डिलीवरी पार्सल नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को रीज़न बताया कि आप फ़ोन कॉल नहीं चक रहे हो, तो उसका रीज़न ये था कि आजकल स्कूल वगैरह खुले हुए हैं, तो मैं स्कूल जाने भी लग गया हूँ अब, और इसलिए भी डेली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो 3-3 दिन बाद अब से ब्लॉग आएंगे, इसीलिए ही थोड़ी सी मुश्किल हुई थी बोया माइक को पहुँचने के लिए। तभी मैं ब्लॉग में कह रहा हूँ कि भाई ने मेरा साथ दिया, भाई ने मेरा, तो भाई मेरे साथ मतलब इतना वेट किया उन्होंने भी मतलब, और साथ में ही घर आए। अभी यार मैं ब्लॉगिंग की एडिटिंग करके फ्री हुआ हूँ, तो आई होप कि आपने इस ब्लॉग को इंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड मुझे आ रही है नींद, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।